जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम फिल्म का यह गाना मुजफ्फरपुर जिले के एक प्रेमी जोड़े पर सटीक बैठ रही है। यहाँ प्रेमिका की जिद की वजह से उसके अपने प्रेमी की शादी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में संपन्न हो पाई। यह शादी प्रसिद्ध गरीबनाथ मंदिर में संपन्न कराई गई। बता दें कि दोनों सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में कई महीनों से रहते थे, लेकिन प्रेमिका को लगा कि प्रेमी अब उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, तो प्रेमिका पहुंच गई सिकंदरपुर ओपी थाने, जहां लगाने लगी गुहार। फिर क्या, पुलिस भी प्रेमिका के आगे झुक गई और प्रेमी को थाना बुलाया गया। फिर दोनों के परिवार वालों से बात की गई और फिर बाबा गरीबनाथ मंदिर में बैंड बाजा के साथ दोनों की शादी पुलिस की मौजूदगी में कराई गई। बताया गया कि चांद और गोविंद की मुलाकात कई महीने पूर्व किसी काम के सिलसिले में हुई थी और फिर दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद प्रेमी भागने के चक्कर में था, जिसके बाद प्रेमिका थाना पहुंच गई और फिर पुलिस ने दोनों की शादी कराई। क्या कहेंगे आप, शादी हो गई है, साथ में रहेंगे। खुशी किस बात का, इतना बदनाम करवा दिया, खुशी किस बात का रहेगा। आपका मकसद तो शादी करना, शादी हो गई है। बस हम चाहते थे शादी हो जाए, लेकिन इतना तमाशा नहीं चाहते थे। 6 महीने से इस तरीके से काम के लिए मिले थे। 0 माइल मना कर रहा था, नहीं से बोला था, 5 साल बात करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर मतलब छोड़ के जाने का प्लानिंग में था। तो वही सुबह में लॉयर को बुलाए थे, सोचे थे घर पे हम शांति से मना के कर लेंगे, लेकिन नहीं माना है तो वही मकान मालिक थाना के हवाले। अच्छा, अब शादी हो गई है, आप खुश है ना? खुश है कि नहीं? शादी हो गई है। कैसे कैसे संपर्क हुआ था इनसे? इधर देख जी, कितने दिन से आप लोगों का मतलब संबंध है? 4 महीने से थे। कैसे संबंध में, कैसे दोस्ती में? काम के सिलसिले से जो मतलब जो एगो दोस्त था ना इसका, वही संपर्क करवाया, तो इसको हम काम पे रखवा दिए थे 1 महीना के लिए। तो फिर वहाँ पर काम छोड़ के चली आई, जो पैसा था 3000 रुपया, 3000 पर रखवाए थे, 3000 रुपया दे दिए उसको, छोड़ दिए 0 माइल में। 0 माइल छोड़ने के बाद ये कि कोई मतलब परिजन करें, मतलब अपना रिश्तेदार है कोई था दोस्त वोस्त, उसी का नहीं रह रही थी, तो ये हमको फ़ोन की कि ऐसे ऐसे बात है कि हमको भेजने के फिराक में है, यहाँ से बाहर भेजने के फिराक में था। तो हम सोचे कि इसको कहीं बेच उछ देगा, तो ये सोच कर हम इसको कहें कि ठीक है तुम आंटी करने रहो, आंटी करने रहो, हम तुम्हारा जो है ना 2-4-5 महीना हम खर्चा उठाएंगे। तो यही चीज़ था। तो आज के डेट में ये हमसे एकदम शादी करने के लिए बेचैन है। ये बात हम आंटी को भी बोले थे कि आंटी देखिए अभी मैं घर का स्थिति सही नहीं है, अभी शादी नहीं कर पाएंगे, ऐसे 3-4 रोज पहले बात हुई थी। जी शादी होने का सर मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर कल के डेट में पता है ना कि क्या होता है, लड़की का पल्ला भारी होता है, हम क्या करेंगे, मेरे पास ना पैसा है ना घर है। बोल रही है कि आपके फिजिकल रिलेशन, हाँ फिजिकल थे, गर्भपात भी हुआ? नहीं गर्भपात नहीं हुआ था, फिजिकल है, 4 महीना से है फिजिकल, ये नहीं है कि नहीं है। फिजिकल तो आने कह रहे हैं अभी नहीं शादी करना चाहते। हाँ 5 साल का टाइम मांग रहे थे जी, थोड़ा मेरा घर में प्रॉब्लम है, कर्जा महाजन है, ये सजा के उसके बाद सोच जी, आज तक जबरदस्ती करवा रहा है, करना नहीं करेंगे तो फिर केस लाद के हमको डाल देगा अंदर, क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा, हम नहीं करेंगे शादी ब्याह। तो मैं गोविंद कुमार, कैसे आप लोगों का दोस्ती हुआ था? यही दोस्त के नाते दोस्त हुआ, काम के सिलसिले से हुआ था।